नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Zero 40 वर्सेस Xiaomi 14 सीवी 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Zero 40 में 6.47 इंच जबकि 14 सीवी में 6.19 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Zero 40 से कम है। विड्थ की बात करें तो Zero 40 में 2.93 इंच जबकि 14 सीवी में 2.86 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Zero 40 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Zero 40 में 0.31 इंच जबकि 14 सीवी में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Zero 40 में 195 ग्राम जबकि 14 सीवी में 179.3 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Zero 40 में AMOLED कर्व डिस्प्ले जबकि 14 सीवी में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Zero 40 में 6.78 इंचेस जबकि 14 सीवी में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Zero 40 में 1080x2436 FHD+ और 14 सीवी में 1236x2750px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Zero 40 में 89.35% जबकि 14 सीवी में 90.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Zero 40 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 14 सीवी में 460 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Zero 40 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 14 सीवी की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Zero 40 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 14 सीवी की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Zero 40 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 14 सीवी में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Zero 40 में माली G610MC6 जबकि 14 सीवी में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Zero 40 में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate और 14 सीवी में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Zero 40 में 12GB की RAM मिलती है जबकि 14 सीवी में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 256GB 512GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी Zero 40 में 5000 mAh जबकि 14 सीवी में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Zero 40 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीज़
12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 14 GB की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 47,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 14 GB आगे है, मेन कैमरा में 0/40 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 14 GB आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo S19 Pro 5G है, दूसरा Realme GT6 5G है, तीसरा Realme GT5 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V40 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।